So hello everyone and a very good evening to all of you. Welcome back once again to the series of government schemes. In today's session guys, we are going to discuss another very important and the very easy Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana. This scheme guys was launched in the year 2014 under National Rural Livelihood Mission. I hope aap sabko pata hai Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission. Under that particular scheme, this was launched as a component, as a separate scheme for providing skills to the rural youth. In fact, मैंने आपको इस एक लाइन में एक दो लाइन में सब कुछ बता दिया इस स्कीम के बारे में. इस स्कीम में ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं आएगी, बहुत दो चार चीजें हैं बस, वो हमें पढ़नी है. Alright, so let's begin with the session. But before we begin, if you are coming here for the first time, do subscribe to our channel and press this bell icon. You can also join this Telegram group here. You will get the PDF of this session after the session. इस session के बाद आपको PDF मिल जाएगी इस Telegram group पे. And if you want to have a personal connect with me, you can follow me here. So let's talk about the scheme which is known as Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana. First of all, let's talk about the objectives. तो objectives तो इसके बहुत ही ज़्यादा आसान हैं. But objective में एक important चीज़ है वो हमें याद रखनी है, वो हमें बात करेंगे. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना. सो दीनदयाल उपाध्याय तो नाम है, ऑफ कोर्स वी ऑल नो हु वाज दीनदयाल उपाध्याय. ग्रामीण का मतलब क्या है यहाँ पे? ग्रामीण का मतलब है रूरल पीपल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रामीण? इट्स रूरल पीपल. एंड ऑफ कोर्स कौशल्य का मतलब क्या होता है? स्किल्स होता है. विच मीन्स द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग टू द रूरल यूथ्स. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग टू द रूरल यूथ. ठीक है, एंड नॉट ओनली स्किल ट्रेनिंग, दे आर ऑल्सो एंश्योरिंग द प्लेसमेंट. ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली. बिकॉज इन वेरियस गवर्नमेंट स्कीम वेयर स्किल ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड, दे आर नॉट बॉदर्ड विद प्रोवाइडिंग द प्लेसमेंट. उनको प्लेसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता. बट हेयर इन दिस पर्टिकुलर स्कीम दे आर प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग टू द रूरल यूथ अलॉन्ग विद द प्लेसमेंट. इसमें प्लेसमेंट की बात भी है. और इनफैक्ट इसमें इतना बोला गया है कि अगर 100 लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, इफ 100 पीपल विल बी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग अंडर दिस स्कीम, देन आउट ऑफ दिस 100, 75% एटलीस्ट 75% विल गेट द प्लेसमेंट. विच मीन्स द 75% ऑफ ऑल द रूरल यूथ्स विच आर बीइंग ट्रेन्ड अंडर DDU-GKY विल गेट द प्लेसमेंट. सो दिस इज वेरी यूनिक फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम. सो आई होप द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू द रूरल यूथ सो दैट दे कैन गेट their employment, and also along with the skill training, the government is also providing the placement guarantee to the candidates who are provided the skill training. All right. So this is the objective, and ministry of course is the Ministry of Rural Development, which is headed by Mr. Giriraj Singh, and he is also the Minister of Panchayati Raj. And ministry guys is very obvious to remember because. Since we are talking about providing skill training to the rural youth, so that is why the ministry should be the Ministry of Rural Development. Launch year इसका याद रखना बहुत आसान है, 2014 में. देखो, दीनदयाल उपाध्याय का नाम जो था वो केवल बीजेपी की गवर्नमेंट के आने के बाद ही आप लोगों ने ज्यादा सुना होगा, हर स्कीम के आगे दीनदयाल उपाध्याय, एंड द रीजन वी ऑल नो. सो 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई हमारे देश में, और तब से कई स्कीम्स के आगे DDU-GKY लगने लगा. तो उसी समय उसी ईयर ये स्कीम लॉन्च हो गई थी. ऑलराइट, एंड ऑन व्हिच डे? दैट इज ऑन अंत्योदय दिवस, बर्थडे ऑफ दीनदयाल उपाध्याय, 25th September. ऑलराइट, डू रिमेंबर दिस, 25th September इज ऑब्जर्व्ड एज अंत्योदय दिवस इन इंडिया, व्हिच इज बर्थडे ऑफ DDU. एंड इन द ईयर 2014 इट वाज लॉन्च्ड. ऑलराइट, एंड 2014 को कैसे याद रखेंगे? DDU से याद रखना. DDU बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद ही काफी ज्यादा यूज होता है. एंड DDU और बीजेपी की गवर्नमेंट कब आई थी? 2014 में. और अगर डेट भी याद रखना है तो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर द डेट ऑन द बर्थडे ऑफ DDU, दैट इज ऑन 25th September, विच इज ऑब्जर्व्ड एज अंत्योदय दिवस इन द कंट्री. एंड एलिजिबिलिटी, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी? ऑल द रूरल यूथ बिटवीन द एज 15 to 35 years विल बी प्रोवाइडेड स्किल ट्रेनिंग बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियल, बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट. बट इफ इट इज अ केस ऑफ SC/ST वुमेन, PVTG और PWD, देन This 35, ये जो 35 है, in the normal cases, it can be extended up to 45 years. Okay, minimum जो age है वो 15 ही रहेगा, but the maximum age bar can be extended up to 45 years if the beneficiary is ST/ST
SC ST women PVTG or PWD. All right, particularly vulnerable tribal group. If you do not know the full form of PVTG, it's particularly vulnerable tribal groups. So this is about the eligibility, and these are some of the basic features. So first of all, the government is providing demand-led skill training at no cost. एक रुपए भी जो बेनिफिशियरी हैं उनसे नहीं लिया जाता. द ट्रेनिंग प्रोवाइडेड इज एब्सोल्युटली फ्री. देन द मैंडेटरी कवरेज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, इज ऑल्सो देयर इन द प्रोविजन ऑफ द स्कीम. और वो क्या है, SC ST को मिनिमम 50% कवर करना है, विमेन 33%, वाइल माइनॉरिटी 15%. दिस इज काइंड ऑफ रिजर्वेशन, विच मीन्स आउट ऑफ ऑल द बेनिफिशियरी अंडर DDU-GKY, 50% शुड बी SC ST, 33% should be women and 15% should be minorities. All right, shifting emphasis from training to career progression. So as I told you, it not only provides the training, it also guarantees the placement and guaranteed placement for at least 75% trained candidates. कम से कम 75%, ज्यादा से ज्यादा तो 100% भी हो सकता है. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक फीचर्स विच आर ऑफ कोर्स गाइज आर नॉट डिफिकल्ट टू रिमेंबर. दिस ओनली वन थिंग, यहाँ पे आपको ये चीज है जो कि याद रखनी है, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है. एंड दूसरी चीज ये, गारंटीड प्लेसमेंट फॉर हाउ मच परसेंटेज, एटलीस्ट इट्स 75%. ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द इम्प्लीमेंटेशन मॉडल. ये तो याद रखने की भी जरूरत नहीं है. DDU-GKY नेशनल यूनिट है एक, विच इज देयर फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट. एंड देन एट द स्टेट लेवल वी हैव DDU-GKY स्टेट मिशंस. ओके, जो कि इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट का काम करेगा, और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है जो कि इम्प्लीमेंट करेगी. सो एट द नेशनल लेवल वी हैव DDU-GKY नेशनल यूनिट, जो क्या करता है, जो कि सपोर्ट देने का काम करेगा बेसिकली, पॉलिसी में, प्रोग्राम में, डिजाइनिंग का काम करेगा बेसिकली. और DDU-GKY स्टेट मिशन क्या करेगा, इम्प्लीमेंटेशन का सपोर्ट देगा. एंड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है हमारे पास, वो क्या करेंगी, इंप्लीमेंट करने का काम करेंगी. ऑलराइट, एंड नाउ दीज आर द टू स्पेशल इनिशिएटिव्स अंडर DDU-GKY. नंबर वन इज हिमायत. दिस इज अ स्पेशल स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग अंडर DDU-GKY फॉर द रूरल यूथ्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फॉर द रूरल एंड अर्बन यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. आई बेग योर पार्डन, दिस इज फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन. वेल, रोशनी is once again a special scheme under DDU-GKY for providing skill training to the rural youth of poor families in the 27 LW affected areas, left wing extremist districts across 9 states. All right, just remember, Himayat is for the rural and urban youth of Jammu and Kashmir, while Roshni is for the rural youth of LW affected areas. Okay, so guys, I hope the scheme is clear. इसमें इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. The basic objective of this scheme is to provide skill training to the rural youth along with the guaranteed placements, so the employment can be provided to these rural youth and hence their livelihood can be enhanced. It is being implemented by Ministry of Rural Development, launched in the year 2014 on the Antyodaya Divas under National Rural Livelihood Mission. All the rural youth between 15 to 35 years are eligible to get training under this scheme, while if it is a case of SC ST, women, PVTG or PWD, then the age bar, the maximum age bar will be how much, 45. This is the feature, mandatory coverage of socially disadvantaged group, SC ST 50%, women 33%, minority 15%, and there is also provision of providing at least 75% trained candidates the placement. Implementation model है national unit state level, and then we have project implementation agency, and finally हिमायत और रोशनी नाम के दो special schemes है under DDU-GKY for the UT of Jammu and Kashmir and the 27 left wing extremism affected districts across 9 states respectively. And now guys, let's talk about the questions that can be asked in your exam. How much percent of SC ST are mandated to be covered under the scheme? Very easy question, 50%. 50% beneficiaries under DDU-GKY should be from the SCs or ST communities, 33% from the women, and 15% from the minority communities. Question number 2. What is the age limit of rural youth to get benefits under DDU-GKY? That's 15 to 35 years. If they are not asking specifically about SC, ST, women, PVTG, or PWD,
then the answer would be 15 to 35. But if they are asking about SC, ST, women, PVTG or PWD, the answer would be 15 to 45. Alright, so option C here is the correct answer. Question number 3, which special initiative was launched for J&K students under DDU-GKY? And remember, this initiative is for both rural and urban youth of J&K. And this initiative's name is what, guys? Himayat, option B. Don't confuse between Himmat and Himayat. The answer is Himayat. So guys, that's it for the session. I hope the scheme is clear. In tomorrow's session, we will discuss a very important scheme, Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission, the landmark scheme of the Government of India. So abhi tak jitni scheme kari hai, usko revise kar lo. Kal milte hain naye session mein. Thank you so much for watching. Goodbye, take care and God bless.